बाढ़ की संभावनाओं के मद्देनजर सर्वे कार्य स्थगन को ले जदयू नेता ने किसानों के साथ मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री से मिला। मंत्री ने एडीएम को समुचित कार्रवाई का दिया निर्देश। जी हां, यह ताज़ा मामला समस्तीपुर जिले के पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के मोहनपुर एवं मोहिउद्दीन नगर अंचल से जुड़ा है। गौरतलब है कि उक्त दोनों अंचल क्षेत्र से गंगा एवं बाया नदी गुजरती है, जहां इन दिनों दोनों नदियों उफान पर है। ऐसे में उक्त दोनों अंचल क्षेत्र के लगभग 28 पंचायत प्रभावित है। ऐसे में निष्पक्ष सर्वे का होना असंभव प्रतीत होता है। फलस्वरूप उक्त दोनों अंचल के दर्जनों किसानों व समाज सेवियों ने जदयू नेता मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में हाल ही में सूबे के मुख्यमंत्री एवं भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री से मिल उक्त समस्याओं से अवगत कराया। फलस्वरूप मंत्री ने समस्तीपुर एडीएम को निर्देशित किया है कि वस्तु स्थिति को देख समुचित कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, उदय की खबरें। हाँ सर, अभी जो भूमि सर्वे चल रहा है, इस सर्वे को लेकर आपको क्या परेशानी है, पूरी बात बताइए। परेशानी यह है कि राज्य सरकार का जो सर्वे का कार्य चल रहा है, उस सर्वे से कोई आपत्ति हमको नहीं है, जनहित में है, जनता के हित में, किसान के हित में। लेकिन मनों का शिष्टमंडल अंचल मोहनपुर और महदीनगर के दर्जनों किसान मेरे साथ पटना गए, मुख्यमंत्री से मिला, माननीय विभागीय मंत्री जायसवाल सर से मिला और मिलकर अपनी बात रखा। गंगा नदी का फैलाव पूरे कियारा क्षेत्र और गंगा नदी के फैलाव का दबाव जब बाया नदी पर आता है, उसका भी दबाव पूरे चौर के क्षेत्र में, जब पानी जलमग्न है, इस स्थिति में सर्वे का काम कैसे होगा? बाढ़ का जब समय खत्म हो जाता हो, पानी जब निकल जाता हो, तब उसका सर्वे कराया जाए। ये जो पानी है बाढ़ का, गंगा नदी का, या कितने पंचायतों को और किन किन प्रखंडों को प्रभावित? ये मोहनपुर अंचल के 11 पंचायत, अच्छा, अंचल मोहनपुर के 17 पंचायत, कुल 28 पंचायत। 28 पंचायत में अधिकतम पार्ट जो गंगा का निकटवर्ती इलाका है, रिंग बांध से दक्षिण वहाँ 17-18 पंचायत हैं, और रिंग बांध से उत्तर जो बाया नदी के संपर्क में है, गंगा नदी का जब विस्तार होता है और फैला, इस वर्तमान में फैलाव है, तो वह पानी बाया नदी में भी आता है और बाया नदी में दर्जनों पंचायत आते हैं। सभी पंचायत या तो जलमग्न है या पानी के दबाव में है, या पानी थोड़ा भी पड़ेगा तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मंत्री ने क्या आश्वासन दिया? देखिए, मंत्री जो भाजपा के अध्यक्ष प्रदेश के हैं, राजस्व मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि मनोज, मैं सहमत हूँ इस अलग संबंध में, मैं एडीएम समस्तीपुर के जो पत्र आप लोगों को मैंने दिया है, उन्होंने आदेशित किया है कि त्वरित रूप से समुचित कार्रवाई किया जाए, अर्थात सर्वे को तत्काल अंचल मोहनपुर और अंचल मोहनपुर स्थगित किया जाए। इसको लेकर मैं सीओ अंचलाधिकारी मोहनपुर से मिला कि क्या सर्वे स्थगित हुआ, तो सर्वे स्थगित कर दिया गया। फिर भी ये जानकारी आम लोगों को नहीं है, आम जनता को नहीं है। लोग दूर दूर से भाग के आ रहे हैं, प्रदेशों से आ रहे हैं, रोजी रोटी छोड़ के आ रहे हैं, नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, तत्काल उनको लगे कि बाढ़ के समापन होने तक, नवंबर माह के बाद सर्वे होगा, तो अफरा तफरी का माहौल समाप्त होगा और जनता को लगेगा कि सर्वे जब सही होगा, सर्वे में पैमाश होता है, मेजरमेंट होता है जमीन का, पैमाश अभी होगा तो कहाँ होगा, वो पिलर गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, मेजरमेंट होगा तो कहाँ, सर पानी से डूबा हुआ है या और ज़्यादा पानी होगा तो जलमग्न हो जाएगा, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इसलिए बाढ़ के समापन के बाद जब जमीन सूखा हो जाता है, तब सर्वे का काम किया जाए जो उचित होगा। वर्तमान में सर्वे कहीं से भी होगा वो गलत होगा। इसमें सीओ मोहनपुर और सीओ महोदय दूरभाष में बात करने का प्रयास किया, सीओ मोहनपुर से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने स्थगित होने का बात हमको कहा, सीओ महोदय से हमारी वार्ता नहीं हुई है, हमने पत्राचार डीएम समस्तीपुर को व्हाट्सएप पर कर दिया है, सीओ मोहनपुर को किया है, सीओ महोदयनगर को किया है, और सरकार के मंत्री आयुष मंत्री दिलीप जायसवाल जी का पत्र एटीएम के नाम से है, डीएम को आदेशित भी हुआ, मुख्यमंत्री जी का ही कोई पत्र है, उनका भी आदेश आया।